एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले जिपमर बीएससी नर्सिंग एडमिशन 2021 के बारे में। स्टूडेंट्स, जिपमर में एडमिशन कैसे होगा, कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो जिपमर की साइड से एक नोटिस रिलीज किया गया था, आप लोगों ने देख लिया होगा कि जिपमर में जो एडमिशन रहेगा इस बार वो रहने वाला नीट के स्कोर के बेसिस पर, नीट के मार्क्स के बेसिस पर। सो स्टूडेंट्स, फाइनली यहाँ पर जो है वो टाइम आ गया है जब आप लोगों को जो है आप लोग एडमिशन ले पाएंगे जिपमर में, ना आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जिपमर में कौन क्या एलिजिबिलिटी है, नंबर ऑफ सीट क्या है, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, देन हम लोग फर्दर मूव करेंगे। तो जिपमर में ऑल ओवर इंडिया से अगर आप लोग बिलोंग करते हैं, कहीं से भी अगर आप लोग बिलोंग करते हैं, तो आप लोग जिपमर में अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी इज जस्ट दैट कि आप लोगों की 17 ईयर्स की 17 साल की आप लोगों की एज होनी चाहिए। 17 ईयर्स अगर आप लोग ओल्ड हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, इससे कम है तो आप लोग नहीं कर सकते। आप लोग मेडिकली फिट होने चाहिए एंड आप लोगों ने 12th पास की होनी चाहिए विद 45% तक मार्क्स। तो ये है सिंपल जो एलिजिबिलिटी जिपमर ने रखी है। कोई स्टेट में यहाँ पर नहीं है कि इस पर्टिकुलर स्टेट के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, इस स्टेट के नहीं कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर किसी स्टेट के कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये है जिपमर से रिलेटेड। तो क्या यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा, तो मेरिट लिस्ट के बेसिस पर सिलेक्शन होगा, मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी नीट के मार्क्स के बेसिस पर। डायरेक्ट यहाँ पर आप लोगों को एक करना क्या होगा, आप लोगों को काउंसलिंग का फॉर्म फिल करना होगा, देन आप लोगों को कुछ नहीं करना होगा, जिपमर खुद ही अपना जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा मेरिट लिस्ट। तो बात करें यहाँ पर कि कितनी नंबर ऑफ सीट रहती है जिपमर में अगर आप लोगों को एडमिशन लेना, तो टोटल यहाँ पर 75 सीट्स हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। सो स्टूडेंट, जिपमर में अगर आप लोगों का एडमिशन लेना है तो कंपटीशन तो बहुत ही ज़्यादा होने वाला है, बिकॉज यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया से अगर 75 सिर्फ स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाए तो कितना ज़्यादा टफ हो जाएगा। बट आप लोग जो है ट्राई कर लीजिएगा, अगर आप लोगों के नीट में अच्छे मार्क्स आए होंगे तो आप लोगों को एडमिशन मिल जाएगा। वैसे तो इसमें अलग से एंट्रेंस एग्जाम जो रहता था उसमें से एडमिशन लेना बहुत मुश्किल रहता था, बट अगर आप लोगों के नीट में अगर आप लोग अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो आप लोगों को जिपमर में एडमिशन जो है मिल जाएगा, बिकॉज नीट के स्कोर के बेसिस पर जो है कर दिया गया है। तो आप लोगों को कौन सा फॉर्म फिल करना होगा, कहाँ पे करना होगा, कब करना होगा, बात कर लेते हैं। आप लोगों को एक काउंसलिंग का फॉर्म फिल करना होगा जो कि जिपमर ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों को फिल करना है, jipmer.education.in पर आपको आ जाना है। आने के बाद आप लोगों एकेडमिक्स के सेक्शन पे आ जाना है एंड यहाँ पर आप लोगों का एडमिशन से रिलेटेड जो है लाइक सभी नोटिस जो है मिल जाएंगे एंड यहीं पर आप लोगों का जो लिंक है वो हमें एक्टिवेट मिल जाएगा, मतलब यहीं पे आप लोगों को अप्लाई करना है। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग कोई डाउट होता है तो कॉन्टैक्ट पे जाकर आप लोग इनको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो इसकी जो काउंसलिंग रहेगी वो जिपमर खुद कंडक्ट करवाने वाला, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो जिपमर खुद ही अपनी जो काउंसलिंग है वो कराएगा, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी जो है जिपमर बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग नहीं कराएगी। तो आप लोगों को जो ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा रेगुलरली, दैट jipmer.education.in, इसी पर एन स्टूडेंट्स। उसके साथ साथ आप भी बिल्कुल भी समय नहीं बचा, जैसे ही नीट का रिजल्ट डिक्लेयर होगा वैसे ही जिपमर अपने एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट करने वाला, तो आप लोगों को अलर्ट हो जाना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को आप लोग ऑन कर दीजिए, जब भी जिपमर से रिलेटेड लिंक आएगा मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। डायरेक्ट आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जो है अप्लाई कर सकेंगे, बट अभी जैसे कि रिजल्ट नहीं आया तो अभी तक जो है यूनिवर्सिटी ने जो है अभी तक लिंक को एक्टिवेट नहीं किया है। तो जैसे ही लिंक आएगा मैं आप तो शेयर कर दूंगी। वीडियो अच्छी लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दे। मिलेंगे नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।